नमस्कार दोस्तों, रूपल की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं थाली पीठ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। थाली पीठ बनाने के लिए चाहिए हमको लौकी, हरा प्याज, दो प्याज कटे हुए बारीक, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, हींग, गेहूं का आटा, एक कटोरी छोटे बेसन की, सूजी, नमक, मिर्च, जीरा, हल्दी, अजवाइन और तेल। थाली पीठ बनाने के लिए सबसे पहले हमें लौकी को कद्दूकस करना है। ये लौकी को हमने कद्दूकस करके रखा है। थाली पीठ बनाने के लिए हम गेहूं का आटा जो हमने लिया था वो, साथ में एक कटोरी बेसन, सूजी, इसी में हम अजवाइन को इस तरह मसल के डालेंगे, साथ में जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, ये जो प्याज हमने काट के रखा था वो। हम इन सारे मसालों को मिक्स कर देंगे। ये सारे सामान हमने इसे आटे में मिक्स कर लिए। साथ ही हमें हींग जो हमने ली थी वो, कुछ पुदीने की पत्तियां। अब जो लौकी हमने कद्दूकस करी है उसे हम इस आटे में डालेंगे। हमें पानी नहीं डालना है, जितना हो सके हमें पानी नहीं डालना। हमें इस लौकी से इस आटे को ओसनना है। ये देखिए, हमने उस लौकी में आटे को ओसनने की कोशिश करी। अगर हमें थोड़ा टाइट लगता है तो बीच बीच में हम थोड़ा पानी मिला सकते हैं। जितना जरूरत है उतना ही पानी मिलाएंगे, एकदम पानी नहीं मिलाना है। अगर हमें लगता है कि टाइट है, हमको थोड़ा इसको सॉफ्ट डोई रखना है। इस तरह से हमें आटे को सॉफ्ट रखना है, इस तरीके से, एकदम टाइट नहीं लेना है। इस तरीके का सॉफ्ट होना चाहिए आटा। हमने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसे बनाने के लिए हाथों में तेल लगाएंगे और इसे कोशिश करेंगे हाथों से ही बनाए। मोटी मोटी रोटी इस टाइप की हमें हाथों से बनाना है। हथेली पे प्रेशर रखें हमको। जितनी बड़ी आपसे बन सकती बनाइए। इस तरह से हमने मोटी रोटी सी बनानी है और इसमें गोल उंगली से छेद कर लें। 5-6 छेद आप इसमें कर दीजिए। जो पैन हमने रखा है उसमें हम थोड़ा सा तेल डालते हैं। हमें इसे कढ़ाई में बनाना है, तवे पे नहीं बनाना है। किसी मोटे बर्तन में बनाना है। अब हम इसे छोड़ देंगे। इसे 5 मिनट तक हमें एकदम मध्य आंच पे पकाना है। चेक करें, हम उसमें तेल डाल देंगे एक एक बूंद और कढ़ाई का ढक्कन हम ढक देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे पलट के दूसरी तरफ से सेकेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, इसे पलट दूसरी साइड से पलट देंगे। ये देखिए, इस तरह से सीख गया है। इसी तरह हमें दूसरी साइड से 5 मिनट पकाना है, एकदम मध्य आंच पे। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छी तरह सीख चुका है। इस तरह से, इसी तरह से हमें सारे की सारे थाली पीठ बनाना है। सबसे पहले हमें तेल डालना है, थाली पीठ को छोड़ना है और जो छेद हमने करे होंगे इसमें हमें एक एक बूंद हम तेल डालेंगे और एकदम मध्य आंच पे से पकाना है। इस तरह से आप सारे थाली पीठ बना लीजिए। आप इसको बीच बीच में चेक करते रहिए कि जले ना, और एक साइड से दूसरी साइड पलटते रहिए। ये कच्चा ना रहे, इसे इसको मध्य आंच पे पकाना है और ढक्कन हमेशा ढक के रखना है। इस तरह से हमारे सारे थाली पीठ हम तैयार कर लेंगे। आप इसे हरी चटनी और धनिया के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं।